का मतलब होता है अ चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू। जब कई सारे चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं फैक्ट इन इशू से इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट, यानी उनके बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेके जाते हो। ऐसे एविडेंसेस को हम इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट एन इशू इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट विच लीड्स एसेंशियल्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। यानी इसका मतलब यह है कि अगर एक केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करता है, यानी इन दैट पर्टिकुलर केस देर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल, इन सच अ सिनारियो एक डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर केस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, हमें इन सभी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। और अगर ये सभी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं तो ही हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे रिलाई करके केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। अपने पिछले लेक्चर में हमने ये समझा कि एविडेंस क्या है विथ प्रॉपर नोट्स एंड एग्जांपल्स। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस हैं उन्हें प्रॉपर नोट्स, एग्जांपल्स और केस लॉज के थ्रू समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एंड में आप देखोगे कि आपके पास एक अच्छा नोट्स अवेलेबल रहेगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंसेस के बारे में बात करें तो मेनली 9 टाइप्स ऑफ एविडेंसेस हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज्ड किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका प्राइमरी एविडेंस। उसके बाद है सेकेंडरी एविडेंस एंड देन हियरसी एविडेंस। ओरल एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस documentary evidence, conclusive evidence, real and personal evidence, atma, indirect or circumstantial evidence, indirect or circumstantial evidence, और लास्ट में आपका डायरेक्ट एविडेंस और पॉजिटिव एविडेंस। तो ये है different kinds of evidences which are recognized under this act. Pehla, primary evidence, secondary evidence, hearsay evidence, oral evidences, documentary evidences, conclusive evidences, real and personal evidence, indirect or circumstantial evidence, aur last mein aapka direct
एविडेंस और पॉजिटिव एविडेंस। ये जो और है वो इसी का क्या है, अनदर नेम है। यानी आप डायरेक्ट एविडेंस कहो या पॉजिटिव एविडेंस कहो, आप इनडायरेक्ट एविडेंस कहो या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहो, राइट। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस के बीच डिफरेंस क्या है वो पूछा जाता है। हियरसे एविडेंस से लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं, ओरल एविडेंस से भी लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाते हैं, कंक्लूसिव एविडेंस से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, यहां से भी रियल एविडेंस एंड पर्सनल एविडेंस से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। और अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स को देखें तो वो है आपका इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। एग्जाम में कभी कभी इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस के बीच डिफरेंस को भी पूछ लेता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सभी टाइप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इस लेक्चर में हम इन सभी टाइप्स ऑफ एविडेंसेस को प्रॉपर नोट्स के साथ, इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट एविडेंस क्या है। डायरेक्ट एविडेंस देखो, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन हम अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। देखो, डायरेक्ट एविडेंस का मतलब है वो पीस ऑफ एविडेंस जो विटनेसेस के टेस्टिमोनी के फॉर्म में होता है, द पीस ऑफ एविडेंस व्हिच इज इन द टेस्टिमोनी ऑफ विटनेसेस। टेस्टिमोनी का मतलब होता है गवाही या आई विटनेसेस। ये डायरेक्ट एविडेंस के कैटेगरीज में आते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस किसी भी फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव करते हैं बिना किसी प्रिजम्पशन के, राइट। तो आप लिखोगे डायरेक्ट एविडेंसेस, दीज आर दोज एविडेंसेस which proves a fact directly, जो एक फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव करते हैं बिना किसी presumption के। These are those evidences which proves a fact directly without any kind of presumption, बिना किसी presumption के, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं a piece of evidence in form of testimony of witnesses, या आप लिख सकते हो a piece of evidence in form of testimony of a witness। एक witness का जो गवाही होता है, उसने जिन भी चीज़ों को देखा, उसने जिन भी चीज़ों को सुना, वो उन चीज़ों को as it is court में गवाही देता है, court में present करता है। अगर हम इसके मोस्ट प्रिवेलेंट एग्जाम्पल को देखें तो आई विटनेस, ये क्या है, एग्जाम्पल है डायरेक्ट एविडेंस का। तो आई विटनेस टेस्टिमनी इज द मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, जिसमें क्या होता है कि एक विटनेस जो कुछ भी ऑब्जर्व किया रहता है उन सभी चीज़ों को डायरेक्टली बिना किसी अल्टरेशन के कोर्ट में आकर के बताता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एविडेंस। अब देखो,
एक एग्जांपल से हम समझते हैं डायरेक्ट एविडेंस को. तो ये आप लिख सकते हो, दीज आर दोज एविडेंसेस विच प्रूव्स अ फैक्ट डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रिजम्पशन, और अ पीस ऑफ एविडेंस इन फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस. एग्जाम्पल आई विटनेस. ठीक है, ओके. अब एक एग्जाम्पल हम समझते हैं. अब जैसे मान लो ये है एक पर्सन, ये अपने रूम के विंडो से, ये अपने रूम के विंडो से देख रहा था कि बाहर एक पर्सन दूसरे पर्सन को विथ नाइफ, चाकू से उस पर हमला कर रहा था, उसे मार रहा था. तो ही इज़ अ पर्सन हु वॉज देयर, हु वॉज वॉचिंग वन पर्सन वॉज किलिंग अनदर पर्सन बाई नाइफ. ठीक है, अच्छा. तो चूंकि ये जो इंसिडेंट है उसे होते हुए इस पर्टिकुलर पर्सन ने देखा है, तो ये कौन है? He is eyewitness. Because चूंकि देखो He have seen the incident. इसने क्या किया है? उस incident को देखा है, उस चीज़ को सुना है कि जब ये person इस person को मार रहा था तो ये चिल्ला रहा था, ये help मांग रहा था. तो he was the person who had seen the incident, who had heard. तो ये क्या है? डायरेक्ट एविडेंस. क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी सुना, उसे कोर्ट में एज इट इज बता दिया. तो ये क्या है? डायरेक्ट एविडेंस. ठीक है, ओके, चलिए. तो ये था डायरेक्ट एविडेंस. आई होप डायरेक्ट एविडेंस क्या है वो आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है. वॉट इज इनडायरेक्ट एविडेंस? इनडायरेक्ट एविडेंस को हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी कहते हैं. इनडायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंस. तो वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगती है और ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस चैनल का ग्रोथ हो. ग्रोथ एकदम रुक सा गया है, प्लीज़. चलिए, तो इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस. देखो, इनडायरेक्ट एविडेंस का मतलब होता है अ चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू. जब कई सारे चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं फैक्ट इन इशू से इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट, यानी उनके बीच कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेके जाते हो. ऐसे एविडेंसेस को हम इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं. तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट विच लीड्स यू टू अ डेफिनेट कंक्लूजन. जो आपको एक डेफिनेट कंक्लूजन पर लेकर के जाता हो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस. अब जैसे सोचो, अब यहाँ पे देखो, एक है कॉज और एक है इफेक्ट. व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप? इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखो, ये है एक पर्सन, ही इज स्मोकिंग
आप जानते हो कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इट कॉजेज कैंसर। तो अगर ये पर्सन है इज स्मोकिंग, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कैंसर। तो स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग इज अ कॉज, और इस कॉज का रिजल्ट क्या होगा? कैंसर। तो ये चीज था इसलिए ये चीज हुआ। दिस इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अभी जब हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को डिटेल में समझेंगे विथ एग्जांपल्स, और जब हम केस लॉज को देखेंगे, तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला कंसेप्ट है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि चेन ऑफ फैक्ट्स एसोसिएटेड विथ फैक्ट इन इशू इन रिलेशन टू कॉज एंड इफेक्ट विच लीड्स यू टू अ डेफिनेट कंक्लूजन नोन एज इनडायरेक्ट एविडेंस या सर्कमस्टांशियल एविडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए इज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ बी। ए के ऊपर बी के मर्डर का आरोप लगा हुआ है। तो अगर इस पर्टिकुलर केस में हम देखें तो दो तरह के एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। पहला, जो विटनेस है जिसने इस इंसिडेंट को होते हुए देखा, वो कोर्ट में आए और अपना गवाही दे। तो पहला हो सकता है, विटनेस में कम एंड सेज दैट ए किल्ड बी इन हिज प्रेजेंस। दूसरा, इट मे ऑल्सो हैपन दैट नो वन सॉ दैट अकरेंस। दूसरा, ये भी हो सकता है कि किसी ने भी ए को बी का मर्डर करते हुए ना देखा हो। तो ए इज चार्ज विथ मर्डर ऑफ बी। इन दिस केस टू सॉर्ट्स ऑफ एविडेंसेस मे बी गिवन। फर्स्ट वन इज विटनेस मे कम एंड स्टेट्स इन द कोर्ट दैट ही वॉज देयर व्हेन ए वॉज किलिंग मिस्टर बी। दूसरा, नो वन सॉ दैट अकरेंस, यानी कोई विटनेस ना हो। ठीक है, अच्छा, तो मान लो इफ नो वन सॉ द अकरेंस, ये मान लो मामला है, किसी ने भी ये घटना होते हुए नहीं देखा, तो इस केस में क्या होगा? देखो, जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंसेस कुछ इस तरीके से दे सकता है। वो डिफरेंट फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करके एक डेफिनेट कंक्लूजन पे लाने की कोशिश करें, डिफरेंट फैक्ट्स को एसोसिएट करके ए के गिल्ट को प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई आई विटनेस है ही नहीं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है केसेस को सॉल्व करने का। ठीक है, ओके। अब देखो, किसी भी केस में, मेनली क्रिमिनल केसेस में, दो साइड्स ऑफ पार्टीज होती हैं। आप सीआरपीसी पढ़ रहे हो तो आप जान रहे हो, एक होता है प्रोसिक्यूशन साइड और एक होता है डिफेंस साइड। देखो, प्रोसिक्यूशन साइड जो होता है वो केसेस के वो साइड्स होते हैं, वो सभी पर्सन होते हैं, वो पार्टीज होती हैं जो दूसरे पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं या जो दूसरे पार्टी को गिल्ट प्रूफ करना चाहती हैं। तो उस पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस सिनारियो में चूंकि कोई आई विटनेस नहीं है, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो कुछ इस तरह से एविडेंसेस दे सकता है। जैसे तो ये लिखने के बाद आप लिखोगे, प्रोसिक्यूशन मे लीड एविडेंस टू द इफेक्ट दैट, पहला देखो, ए एंड बी वर सीन गोइंग टुवर्ड्स द बैंक ऑफ रिवर, गोइंग टुवर्ड्स
the bank of river. Dusra, after 2 hours, do ghante ke baad, after 2 hours, after 2 hours, A alone was coming, A akela aa raha tha. And had bloodshed on his clothes, और उसके कपड़ों पे bloodshed थे. And had bloodshed on his clothes. And after half an hour, आधे घंटे के बाद A को B के body, dead body के साथ on the bank of river देखा गया. ठीक है, तो यानी जो प्रोसिक्यूशन है उसके पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है. वो क्या कर रहा है, डिफरेंट फैक्ट्स को कनेक्ट करके A के गिल्ट को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. इस रिगार्ड में उसने ये बताया कि A और B को देखा गया था लोगों के द्वारा जाते हुए ऑन द बैंक ऑफ रिवर. आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद A उधर से अकेला आ रहा था और उसके कपड़ों के ऊपर ब्लडशेड थे. ही वॉज इन पैनिक. तो अब देखो, क्योंकि ये जो केस है इसमें कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, तो इन दिस केस देर इज नो एविडेंस ऑफ अ पर्सन हैविंग सीन मर्डर बीइंग कमिटेड, बट फ्रॉम दिस सर्कमस्टांसेस गिवन इट मे बी इन्फर्ड दैट ए मर्डर्ड बी. अब क्योंकि कोई आई विटनेस नहीं है जो ये कहे कि उसके प्रेजेंस में ए ने बी का मर्डर किया, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फैक्ट्स को कनेक्ट करके हम एक डेफिनेट कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं. और जब हमने इन सभी इंसिडेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया तो हमने ये पाया कि ए हैड मर्डर्ड बी. ये क्या है, सर्कमस्टांशियल एविडेंस है. ठीक है, क्लियर. चलिए, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस. सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो आई होप सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा. What are the essentials of circumstantial evidence? Essentials of circumstantial evidence. यानी इसका मतलब ये है कि अगर एक केस टोटली सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे रिलाई करता है, यानी इन दैट पर्टिकुलर केस देर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल, इन सच अ सिनारियो एक डेफिनेट कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर केस है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है, हमें इन सभी एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करना है. और अगर ये सभी एलिमेंट्स हमें मिलते हैं तो ही हम सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे रिलाई करके केसेस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस. एक केस है आपके पास एसपी भटनागर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. देखो, इस केस में सुप्रीम कोर्ट वाइल डीलिंग विथ द केस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस फॉर्मुलेटेड 4 essentials टू बी बॉर्न इन द माइंड इन ऑर्डर टू प्रूव अ केस बाई सर्कमस्टांशियल एविडेंस. तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर केस पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो उस केस को
सर्कमस्टांशियल एविडेंस के थ्रू प्रूफ करने के लिए हमें इन सभी चार एसेंशियल एलिमेंट्स को देखना होगा। नाउ व्हाट आर दीज, आइए सबसे पहला है, तो इसमें आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड फोर एसेंशियल्स टू बी बॉर्न इन द माइंड while solving a case which is based on circumstantial evidence, yeah, which is purely based on circumstantial evidence. देखो ऐसे बहुत ही कम लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो एक्सप्लेन करने के साथ साथ नोट्स भी बनवाते चले, तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसमें सबसे पहला जो एलिमेंट है वो ये है कि सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन शुड बी एस्टेब्लिश कम्प्लीटली, यानी जिन जिन सर्कमस्टांसेस को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक पर्सन के गिल्ट को प्रूफ करना चाह रहे हैं, those circumstances must be established completely, ठीक है, okay. तो पहला है circumstances from which conclusion of guilt is to be drawn should be established completely, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, ऑल द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश्ड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट, जितने भी फैक्ट्स को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ऑल दोज फैक्ट्स शुड बी कंसिस्टेंट, क्या होने चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो दूसरा आप लिखोगे ऑल द फैक्ट्स सो एस्टेब्लिश्ड टू ड्रॉ अ कंक्लूजन शुड बी कंसिस्टेंट। तीसरा सर्कमस्टांसेस शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर, जिन भी सर्कमस्टांसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो कंक्लूसिव इन नेचर होना चाहिए, और अगर हम उन सर्कमस्टांसेस को कनेक्ट करते हैं तो जितने भी अदर हाइपोथेसिस हैं, जो भी अदर डाउट्स हैं कि क्या सच में इस पर्सन ने ये क्राइम कमिट किया है या नहीं किया है, इस पर कोई क्वेश्चन हमें ना फील हो, कोई क्वेश्चन ना हो, यानी जो गिल्ट है वो डायरेक्टली प्रूफ हो बिना किसी रीजनेबल डाउट्स के। तो लास्ट वन इज सर्कमस्टांसेस मस्ट एक्सक्लूड एवरी अदर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वन प्रपोज्ड टू बी प्रूव, जिसे हम प्रूव करना चाहते हैं वही प्रूफ हो, कोई रीजनेबल डाउट्स ना हो उस पर्सन के इनोसेंट को लेकर के, क्लियर है। तो दीज आर द फोर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, क्लियर है, चलिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो चलेगा, लेकिन हम सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखो अब आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के क्या मायने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस। देखो कह रहा है इफ अ केस टोटली रेस्टिंग ऑन अ circumstantial evidences, all the evidences in form of circumstances brought by the prosecution must exclusively point the guilt of accused, and there shall be no other circumstances to be considered reasonably consisting the innocence of accused. yani yahan pe ye keh raha hai ki agar koi case hai jo entirely circumstantial evidences pe based hai, तो जिन भी सर्कमस्टांसेस को हम कनेक्ट करेंगे वो केवल एक ही कंक्लूजन की ओर ले जाती हो, जो प्रोसिक्यूशन है वो जिस पर्सन को गिल्ट प्रूफ करना चाह रहा है वो सभी सर्कमस्टांसेस उस पर्सन के गिल्ट को प्रूफ करे, कोई अदर सर्कमस्टांसेस नहीं होने चाहिए जो उसके इनोसेंट
होने की ओर इशारा करती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा है तो उन सर्कमस्टांसिस को कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर कोई केस है जो पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बेस्ड है, तो जिन भी सर्कमस्टांसिस को हम कनेक्ट करेंगे वो केवल उसी बात की ओर इशारा करे जो प्रोसिक्यूशन चाहता है। अगर प्रोसिक्यूशन किसी पर्सन को गिल्ट प्रूफ करना चाहता है तो वो सभी सर्कमस्टांसिस उस पर्सन के गिल्ट की ओर इशारा करे, कोई भी सर्कमस्टांसिस ऐसा ना हो जो उसके इनोसेंस होने के ऊपर हमारा ध्यान ले जाए। ठीक है, ओके। तो यानी देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसिस कॉन्स्टिट्यूटिंग द गिल्ट ऑफ अक्यूज्ड विदाउट एनी डाउट। ठीक है, ओके। तो ये था सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, इफ अ केस टोटली रेस्टिंग ऑन सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ऑल द एविडेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सर्कमस्टांसिस ब्रॉट by the prosecution must exclusively point towards the guilt of accused and there shall be no other circumstances to be considered reasonably consisting innocence of accused। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये था circumstantial evidence। आई होप circumstantial evidence क्या है, अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से इन पॉइंट्स को जाके वहां पे लिख दोगे, आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करेंगे रियल एंड पर्सनल एविडेंस। रियल एंड पर्सनल एविडेंस देखो यहां पे और नहीं है, एंड है, यानी दोनों क्या है, अलग अलग है। रियल एंड पर्सनल एविडेंसेस, व्हाट इज रियल एविडेंस, what is real evidence, देखो what is real evidence, देखो real evidence refers to that evidence which is directly addressed to the senses of court and the jury। ठीक है, these are those evidences which are directly addressed to the senses of jury or court। So those evidences which are directly addressed to the senses of court and the jury known as real evidences। जैसे एक पर्सन ये क्लेम करता है कि इस पर्सन ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है और इस बात का प्रूफ ये है कि उसके बॉडी पे जगह जगह क्या इंजरीज हैं, खून आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज रियल एविडेंस, क्योंकि ये क्या है, एड्रेसेबल है। कोर्ट और जूरी ये देख के इस कंक्लूजन पे पहुंच सकती है कि हाँ, इस पर्सन के ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, तो पर्सन कैरिंग इंजरीज, सीरियसनेस ऑफ इंजरीज मे बी अप्रिसिएटेड बाय द कोर्ट। ठीक है, रियल एविडेंस को हम इमीडिएट एविडेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक इमीडिएट कंक्लूजन पे ले जाके छोड़ती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इमीडिएट एविडेंस, और इसे हम सैटिस्फैक्ट्री काइंड ऑफ एविडेंसेस मानते हैं। ठीक है, तो ये है आपका रियल एविडेंस। नाउ व्हाट इज पर्सनल एविडेंस, what is personal evidence, chalo personal evidence is that evidence which is afforded by the human agencies। theek hai, these are those evidences which are afforded by human agencies
विच आर अफोर्डेड बाई ह्यूमन एजेंसीज। जैसे देखो, ए इज चार्ज्ड विथ मर्डर ऑफ पी, ए के ऊपर बी के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। अब देखो, विटनेसेस आते हैं कोर्ट में और ये कहते हैं कि हाँ जी, जिस समय ए बी का मर्डर कर रहा था उस समय हम लोग वहीं पर थे। तो यहाँ आप देखो, कोर्ट में जो एविडेंसेस लाए जा रहे हैं वो ह्यूमन एजेंसीज के थ्रू लाए जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पर्सनल एविडेंस। ठीक है, यानी एविडेंस रीचेस द कोर्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसीज नोन एज पर्सनल एविडेंस। नाम ही क्लियर है, पर्सनल एविडेंसेस। ठीक है, ओके, यानी एविडेंस रीचेस द कोर्ट थ्रू पर्संस, थ्रू ह्यूमन एजेंसीज, ठीक है, नोन एज पर्सनल एविडेंसेस। नाउ अब हम बात करेंगे हियर से एविडेंस क्या है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जल्दी से 1000 की फैमिली कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, हियर से एविडेंस, अगेन एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एविडेंस, हियर से एविडेंस। देखो, हियर से एविडेंस, हियर एंड से, आपने जो कुछ भी सुना वो आपने कोर्ट में आकर के बताया, आपने किसी पर्सन को कुछ कहते हुए सुना और उस चीज़ को आपने कोर्ट में आकर के बताया, नोन एज हियर से एविडेंस। जैसे Whatever a person has heard from other person, he stated the same thing in the court. ये क्या है? Here से evidence है, here plus say evidence। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि whatever a person named A has heard from Mr. B, he stated the same thing in the court known as hearsay evidence। और एक पर्सन जो किसी इंफॉर्मेशन को कोर्ट में दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन को उसने किसी अदर, किसी सेकेंड पर्सन से रिसीव किया था, he is the third person who is transmitting the same information in the court known as hearsay evidence। ठीक है, तो what is hearsay evidence? The testimony of a witness based on what he has heard from other person। एक पर्सन की गवाही जो इस बात पे बेस्ड है कि उसने दूसरे पर्सन को जो कहते हुए सुना उस चीज़ को वो कोर्ट में आकर के बोल रहा है, rather than on his direct personal knowledge or experience known as hearsay evidence। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे testimony based on what a witness has heard from other person rather than on his direct personal knowledge or experience। ठीक है, example, let's take an example। जैसे मान लो, ए सीज समवन, ए देखता है एक पर्सन को क्लाइंबिंग इनटू विंडो ऑफ अ हाउस, ए एक पर्सन को देखता है कि वो एक घर के खिड़की से छलांग लगा रहा है या खिड़की से कूद रहा है। अब लेटर ऑन ए जो है टेल्स द पर्सन बी, ए टोल्ड द इंसिडेंट टू बी, बी को बताता है कि द पर्सन ही शॉ, जिस पर्सन को उसने देखा वॉज मिस्टर सी। कौन था? मिस्टर सी था। अब बी जो है इस चीज को कोर्ट में आकर के
बोल रहा है। तो बी ने जो चीज़ बोला वो ये चीज़ किससे कहते हुए सुना था, ए से कहते हुए सुना था। यानी ये जो इंसिडेंट था वो बी के डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज या एक्सपीरियंस में नहीं था। द इंफॉर्मेशन विच ही इज डिक्लेयरिंग इज बेस्ड ऑन एज नॉलेज एंड एज एक्सपीरियंस, इट इज नोन एज हियर से एविडेंस। ठीक है, क्लियर। चलिए नॉर्मली हियर से एविडेंसेस एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं कोर्ट में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां हियर से एविडेंसेस क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। तो हियर से एविडेंसेस को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझने वाले हैं विथ प्रॉपर केस लॉज। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना ही जानो। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस, देखो प्राइमरी एविडेंस जो हियर से एविडेंस होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है इन जनरल इन द कोर्ट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। क्योंकि किसी पर्सन ने कुछ बोला और उस चीज़ को आपने आकर के कोर्ट में बोला, हम उस पर्सन के वेरासिटी को चेक करते हैं थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। हम ये पूरी कोशिश करते हैं, मतलब जो एडवोकेट्स होते हैं वो ये पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो कुछ भी बोल रहा है वो सही है कि नहीं सही है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां हियर से एविडेंसेस क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए प्राइमरी एविडेंस को, प्राइमरी एविडेंस को हम बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं, बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं इसे। ठीक है, ओके। इसे हम फर्स्ट हैंड एविडेंस भी कहते हैं, इसे हम ओरिजिनल एविडेंस भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्राइमरी एविडेंस? देखो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट or the work that can be produced before the court of law for the inspection can be considered as primary evidence. So what is primary evidence? Original document or work presented before the court for the purpose of inspection known as प्राइमरी एविडेंस। ठीक है, ओके। इसे हम बेस्ट एविडेंसेस मानते हैं। अब सेकेंडरी एविडेंस क्या है? एनी और ऑल अदर काइंड्स ऑफ कॉपीज। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ कॉपीज और वर्क या कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स presented before the court for inspection, या all those evidences under section 63 of Indian Evidence Act called as secondary evidences. तो secondary evidences जो हैं वो section 63 में define किया गया है, जबकि primary evidences को section 62 में define किया गया है। ठीक है, तो प्राइमरी एविडेंसेस क्या होते हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और वर्क होते हैं प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। इन्हें हम बेस्ट एविडेंस भी कहते हैं, इन्हें हम फर्स्ट हैंड एविडेंस भी कहते हैं। ऑल काइंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ वर्क और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज जिन्हें सेक्शन 63 में बताया गया है वो कहलाते हैं सेकेंडरी एविडेंसेस। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बीच क्या डिफरेंस है उसे समझ लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आप लिखना चाहो तो लिख लोगे, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंसेस। देखो प्राइमरी एविडेंसेस को डिफाइन किया गया सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, जबकि सेकेंडरी एविडेंसेस आर डिफाइंड
अंडर सेक्शन 63 ऑफ दिस एक्ट। दूसरा, प्राइमरी एविडेंसेस आर कंसीडर्ड एज बेस्ट और फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट। प्राइमरी एविडेंसेस को हम बेस्ट एविडेंसेस या फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस मानते हैं, जबकि सेकेंडरी एविडेंसेस आर कंसीडर्ड एज लोअर क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस, यानी हम लोअर क्वालिटी ऑफ एविडेंसेस मानते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस आर यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस का हम प्राइमरी एविडेंसेस के एब्सेंस में यूज करते हैं, या इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस सेकेंडरी एविडेंसेस आर एक्सेप्टेबल इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वर्क आप लिखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वर्क दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वर्क होते हैं, जिन्हें बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी एविडेंसेस। सेकेंडरी एविडेंसेस क्या होते हैं? ऑल और any kind of copies made of original document or work which are mentioned under section 63 of this act forms the part of secondary evidences, theek hai, okay। fourth, primary evidence can be presented to the court without serving any prior notice। primary evidences ko court mein produce karne ke liye aapko court se prior permission nahi lena padta hai, जबकि सेकेंडरी एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने के लिए यू मस्ट हैव टू सीक द प्रायर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट। एंड परमिशन टू बी शॉर्ट फ्रॉम द कोर्ट टू ब्रिंग सेकेंडरी एविडेंसेस, और सेकेंडरी एविडेंसेस लाने के लिए आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हो, इस ग्राउंड पे कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो not available or is lost, ठीक है, okay। primary evidences का जो evidentiary value होता है it is quite higher as it is the main source of evidence, जबकि secondary evidence का जो evidentiary value होता है it is lower, ठीक है, because it is an alternate source of primary evidence, ठीक है, okay। अब example के लिए मान लो आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई MCD, वो क्या है आपका प्राइमरी एविडेंस है। सेकेंडरी एविडेंस क्या हो सकता है? इन केस ऑफ लॉस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, योर 10th मार्कशीट, आपके 10 के मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, या कोई ID प्रूफ जैसे कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सभी क्या है? सेकेंडरी एविडेंसेस हैं, ठीक है, बिकॉज दीज आर प्रेजेंटेड इन एडिशन टू योर बर्थ सर्टिफिकेट, बिकॉज योर बर्थ सर्टिफिकेट इज लॉस्ट, और क्योंकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लॉस्ट हो गया है तो आपको कोर्ट में क्या करना है, इस बात को बताना है कि जो ओरिजिनल मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है वो ड्यू टू एनी रीज़न इज़ नॉट अवेलेबल, तो मैं इसके प्लेस में सेकेंडरी एविडेंसेस, 10th के मार्कशीट जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है वो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, ये प्रूफ करने के लिए कि जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो इतना इतना है, ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए अब देखो, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंसेस के एविडेंशियरी वैल्यू को लेकर के, या उनके एडमिशन को लेकर के कि कब हम प्राइमरी एविडेंस को एडमिट करेंगे, कब हम सेकेंडरी एविडेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे एज एन एविडेंस, इसको लेकर के देर आर वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट मेड ईयर आफ्टर ईयर। एक केस है हमारे पास यशोदा वर्सेस श्रीमती के शोभारानी, ठीक है, तो द वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ओवर द ईयर हैव बीन गिवन टू क्लारिफाई द सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस एज वेल एज एडमिशन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, ठीक है। तो वेरियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा प्राइमरी एविडेंस के इंपॉर्टेंस को शो करने के लिए, और किन किन सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंसेस एडमिशिबल होगा उस चीज़ को लेकर के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए हैं। जैसे केस हमारे पास यशोदा वर्सेस श्रीमती के शोभारानी, यशोदा वर्सेस श्रीमती
के सुभारानी, यशोदा वर्सेस श्रीमती के सुभारानी। इस केस में कहा गया कि इट इज जनरल रूल दैट सेकेंडरी एविडेंस कैन बी एडमिटेड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंसेस। तो इस केस में कहा गया कि जो जनरल रूल है वो क्या है, जो जनरल रूल है वो ये है कि सेकेंडरी एविडेंसेस कैन बी एडमिटेड इन द कोर्ट एज एन एविडेंस only in case primary evidence is not available। अगर due to any reason primary evidence available नहीं है तो उस scenario में हम secondary evidences को as an evidence accept कर सकते हैं in the court। अब देखो कहता है इन अ सिचुएशन, अब मान लो एक सिचुएशन है where original is found to be inadmissible, जहाँ जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है यानी जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो inadmissible कर दिया गया है। इन अ सिचुएशन वेयर ओरिजिनल इज फाउंड टू बी इनएडमिशिबल ठीक है, बिकॉज द पार्टी हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स वैलिडिटी, क्योंकि जो पार्टी है उसने प्राइमरी एविडेंस के वैलिडिटी को प्रूव करने में फेल हो गए हैं। एज पार्टी हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स वैलिडिटी, यानी वैलिडिटी ऑफ प्राइमरी एविडेंस, तो द सेड पार्टी, तो वो जो पार्टी है वो उस प्राइमरी एविडेंस के प्लेस पे सेकेंडरी एविडेंसेस, उस कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंसेस नहीं ला सकती है इन द कोर्ट, क्योंकि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो क्या है, इनएडमिसिबल है। पार्टी हैज फेल्ड टू प्रूव इट्स वैलिडिटी, ठीक है। तो इस केस में यशोदा वर्सेस श्रीमती के सुभारानी के केस में यही कहा गया कि ये जनरल रूल है कि जो सेकेंडरी एविडेंसेस हैं वो एडमिसिबल होंगे इन द कोर्ट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस, लेकिन इन अ सिचुएशन वेयर ओरिजिनल इज फाउंड टू बी इनएडमिसिबल as the party has failed to prove its validity, तो उस सिचुएशन में जो पार्टी है वो उस प्राइमरी एविडेंस का कोई सेकेंडरी एविडेंस नहीं लेकर के आएगी, क्योंकि प्राइमरी एविडेंस क्या है, उसके वैलिडिटी को लेकर के ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस और उससे जुड़ा एक लीडिंग केस। चलिए तो अब हम बात करेंगे ओरल एविडेंसेस। व्हाट इज ओरल एविडेंस, देखो ओरल एविडेंस ऑल द स्टेटमेंट्स व्हिच द कोर्ट परमिट्स, वो सभी स्टेटमेंट्स जिन्हें कोर्ट परमिट करती है और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर द कोर्ट बाय विटनेसेस ओरली इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी कॉल्ड एज ओरल एविडेंसेस। क्या है, देखो ऑल दोज स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स जिन्हें कोर्ट परमिट करती है और इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड before the court by witnesses orally in relation to matter of fact under inquiry, उसे हम कहते हैं ओरल एविडेंसेस। यानी ओरल एविडेंसेस क्या है, बेसिकली उन सभी विटनेसेस का स्टेटमेंट है जिन्हें कोर्ट परमिट करती है कि आप आओ और ओरल स्टेटमेंट्स दो, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओरल एविडेंसेस। अब देखो
सेक्शन 60 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। जो ओरल एविडेंसेस होने चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? चलो तो सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंसेस होते हैं, हमने अभी समझा, जो कि आई विटनेसेस होते हैं, जैसे आई हैव सीन एंड आई हैव स्टेटेड इन द कोर्ट। डायरेक्ट एविडेंसेस वो एविडेंसेस होते हैं जो किसी भी फैक्ट को डायरेक्टली प्रूव करते हैं बिना किसी प्रिजम्पशन के। तो सेक्शन 60 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये कहता है कि जो भी ओरल एविडेंसेस होने चाहिए वो डायरेक्ट होने चाहिए। इट मीन्स अगर एक फैक्ट है जिसे देखा जा सकता है, इफ इट रिफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, जिसे देखा जा सकता है, तो इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस, उसे विटनेस का एविडेंस तभी माना जाएगा जब वो कहे कि हाँ उसी ने उस इंसिडेंट को देखा था। ठीक है, ओके। दूसरा, इट रिफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, एक ऐसा फैक्ट जिसे सुना जा सकता था, तो वो विटनेस का एविडेंस तब माना जाएगा जब विटनेस खुद कहे, खुद ये एक्नॉलेज करे कि उसने उस फैक्ट को अपने कानों से सुना था। तो ये यही चीज़ बता रहा है कि जो ओरल एविडेंसेस होने चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए, यानी जो विटनेस हैं वो चीज़ों को डायरेक्टली, डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे क्या करे, प्रूव करे, टेस्टिमोनी दे, खुद एक्नॉलेज करे। ठीक है, इसमें हमने देखा कि इट रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, जिसे देखा जा सकता था, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही सॉ इट, कि उसने देखा है। अगर एक फैक्ट है जिसे सुना जा सकता था तो इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस हु सेज ही हर्ड इट, उसने उसे सुना था। इफ इट रेफर्स टू अ फैक्ट, एक ऐसा फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड बाई सेंसेस, इट मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस व्हेन ही सेज, जब वो कहे कि ही परसीव्ड दैट थिंग, उसने उन चीज़ों को अपने सेंस ऑफ ऑर्गन से उसी मैनर में परसीव किया था। ठीक है, तो ये बताता है कि जितने भी ओरल एविडेंसेस होने चाहिए वो डायरेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब अ फैक्ट विच कुड बी सीन, इसमें आप लिखोगे ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट। इसमें पहला पॉइंट, अ फैक्ट Which could be seen, must be evidence of witness when he says, जब वो कहेगा, he saw it, उसने उसे देखा था। ठीक है, दूसरा, a fact, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेक्शन 60 कहता है कि ओरल एविडेंसेस मस्ट बी डायरेक्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीज स्टेटमेंट्स, तो आप इन सभी पॉइंट्स को और डायरेक्ट एविडेंसेस को वहां पे एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, अ फैक्ट विच कुड बी हर्ड, आगे आप लिखोगे मस्ट बी एविडेंस ऑफ विटनेस व्हेन ही सेज ही हर्ड इट, और तीसरा, अ फैक्ट विच कुड बी perceived by senses must be the evidence of witness when he says he perceived that thing in the same manner। ठीक है, तो ये है आपका oral evidences। ठीक है, okay। अब आइए, अब हम बात करेंगे documentary evidences और last में हम बात करेंगे conclusive evidences। ठीक है, okay। तो ये lecture almost आपका end होने वाला है, और अगर ये लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है किसी भी मैनर में, अगर इस लेक्चर से आपको हेल्प मिलती है तो आप भी हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो, एंड दिस इज व्हाट द मोटो ऑफ माय चैनल। चलिए, तो
डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। चलिए अब देखो, जब आप समझते हुए नोट्स बनाओगे अपने लैंग्वेज में तो वो ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं लिख के लिख सकता था और ऐसे एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन वो ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता। ठीक है, चलिए तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखो, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स, वो सभी डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, तो ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स देखो, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स which are produced before the court, all those documents which are produced before the court for the purpose of inspection, उससे हम कहते हैं documentary evidences। ठीक है, okay, it is the evidence which is based on the document and so it is most reliable source of evidence। क्योंकि ये जो एविडेंस है वो डॉक्यूमेंट पे बेस्ड है, इसलिए हम इसे मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस मानते हैं। ठीक है, चलिए नाउ किन किन चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार ये भी आ जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, व्हाट थिंग्स आर कंसीडर्ड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। ठीक है, तो ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए तो इसमें आप लिखोगे फॉलोइंग थिंग्स मे बी कंसीडर्ड एज डॉक्यूमेंट, इन चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट कंसीडर्ड करते हैं। जैसे अ राइटिंग, कोई भी चीज अगर राइटिंग में है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड, क्या है, डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स। अ मैप और अ प्लान, ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट है, ये भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ओके, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन। ठीक है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर क्या है, डॉक्यूमेंट। तो दीज आर द थिंग्स विच मे बी कॉन्सिडर्ड एज डॉक्यूमेंट्स, अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड इज अ डॉक्यूमेंट, अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट, एन इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट, अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है। लास्ट कंक्लूसिव, देखो एविडेंस दैट कैनॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एनी अदर एविडेंस, एविडेंस दैट मस्ट एज मैटर ऑफ लॉ बी टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टैब्लिश सम फैक्ट एन इशू। देखो ऐसे एविडेंसेस जो दूसरे एविडेंसेस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, या ऐसे एविडेंसेस जिन्हें फॉर द मैटर ऑफ लॉ मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, उन्हें हम कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंसेस। एक ऐसे एविडेंसेस जो एक कंक्लूजन पर लेके जाते हो उसे हम कहते हैं कंक्लूसिव एविडेंसेस। जैसे जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी क्या है, इट इज द कंक्लूसिव प्रूफ
दैट कंपनी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी. कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है. तो इसमें आप लिखोगे एविडेंस दैट कैनॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एनी अदर एविडेंसेस नोन एज कंक्लूसिव एविडेंस और एविडेंस दैट मस्ट एज मैटर ऑफ लॉ बी टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टेब्लिश सम फैक्ट्स इन इशू नोन एज कंक्लूसिव एविडेंस. एग्जाम्पल में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट कंपनी इज अ रजिस्टर्ड कंपनी. ठीक था. चलिए, ये था डिफरेंट टाइम्स ऑफ एविडेंसेस जिसे हमने एक वीडियो में कवर किया. इसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंसेस के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उसे भी समझा. हमने सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस को डिटेल में समझा. तो अगर ये एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. फॉर मी.